तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है, तो आपको बताए थे कि जब भी किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना होता है, तो उसके जिस एलिमेंट का निकालना होता है उसके सामने वाले रो और कॉलम को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो भी उसके बाद डिटर्मिनेंट मिलता है उसी की जो वैल्यू होती है उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। और कोफैक्टर में आपको बताए थे कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर निकालते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें माइनर निकालना। अगर माइनर आपको समझ में आ गया है तो को फैक्टर बिल्कुल आसान होता है, सिर्फ उसमें आई प्लस जे को ध्यान देना है, ठीक है। यानी रो और कॉलम का सम अगर इवेन नंबर आएगा, आई प्लस जे अगर इवेन नंबर आएगा तो जो माइनर होता था वही को फैक्टर हो जाएगा, अगर ऑड आएगा तो माइनर वाले का साइन चेंज करके को फैक्टर में लिखते थे। उसके बाद कुछ आपको दो पॉइंट्स भी पढ़ाए थे, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो उस एक्सरसाइज का टोटल कॉन्सेप्ट हो गया था, क्वेश्चन भी हो गया था। आज हम लोग नेक्स्ट जो है पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर साल एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें अभी इनवर्स भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले एडजॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, एडजॉइंट के बाद तब जाके इनवर्स पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें जो वर्ड है एडजॉइंट, एडजॉइंट एडजॉइंट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजॉइंट ही हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब कि ये भी हमारे दिमाग में क्लियर हो रहा है कि जो भी हम एडजॉइंट निकालेंगे, जो भी हम एडजॉइंट निकालने वाले हैं वो हमेशा कैसे मैट्रिक्स का है, स्क्वायर मैट्रिक्स का है। क्योंकि आपको बताया था कि मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स दैट मीन्स द नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम का नंबर सेम पाया जाएगा उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट डिफाइंड होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जो है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट पॉसिबल है, तो आंसर होगा हाँ, केवल जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट पॉसिबल है, ठीक है। आई बस समझ में। अब इसके बाद हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिए। देखिए द ट्रांसपोज एडजॉइंट क्या होता है, कह रहा है कि द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे। द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, ए अगर मैट्रिक्स है तो इसके ट्रांसपोज कैसे दिखाते हैं, पीछे आपको मैट्रिक्स में पढ़ाए थे, ठीक है। तो देखिए द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, इसका ट्रांसपोज कोफैक्टर का ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इट इज डिनोटेड बाय ए डी जे। देखिए एडजॉइंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ए डी जे ऑफ ए। अब इस चीज को ध्यान समझते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होगा वही ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आया, फिर समझिए। मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होगा वही जो है ए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आया। तो जब भी हमको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। उस मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर कैसे निकलता है, पहले हम माइनर निकालते हैं फिर कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो जब भी हमको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होगा तो उस मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर निकाल के और फिर उसमें क्या करा देंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो कोफैक्टर के फॉर्म में जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम मूव करा देंगे चाहे कॉलम को रो में मूव करा देंगे। तो मूव कराने के बाद जो भी हमको मैट्रिक्स मिलेगा वही ए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। अब देखिए सॉरी उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहा जाएगा। एडजॉइंट जो है किस मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं, ए मैट्रिक्स का। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय, देखिए एडजॉइंट का जो आगे वाला तीन ठो लेटर है उसको लेते हैं ए डी जे, यानी ए डी जे का मतलब एडजॉइंट। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए डी जे ऑफ ए, इसका मतलब इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो याद रखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ए डी जे और ब्रैकेट में ए, ठीक ना, इसको पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। अब इसको हम लोग देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए
समझिए, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको डिफाइन करके बताते हैं। तो आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स रहेगा तो उसका कोफैक्टर निकाल के और उसका क्या निकाल देना होगा, ट्रांसपोज, ठीक है, तब जो है वो उसका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट। क्लियर? आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसका एलिमेंट है A11, ठीक है, थोड़ा तो बड़ा लिखते हैं, A11 फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है A12, तीसरा एलिमेंट है A13, राइट, ये वाला एलिमेंट है A21, A22, A23, हो गया, ये वाला एलिमेंट है A31, A32, A33, टोटल एलिमेंट हो गए। तो अगर इस मैट्रिक्स का, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का, देखिए ये कितने ऑर्डर का है, थ्री ऑर्डर का, क्योंकि इसमें तीन रो और तीन कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर होगा 3 बाई 3, ठीक है। तो 3 बाई 3 ऑर्डर का अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे। और कल के क्लास में आपको पढ़ाए थे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट ए आई जे है तो ए आई जे के कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए आई जे से, याद है, ए आई जे एलिमेंट के कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए आई जे से। तो अगर A11 एलिमेंट है तो इसके कोफैक्टर को किससे लिखेंगे, ऐसे, कैपिटल A11, इसके कोफैक्टर को कैसे लिखेंगे, कैपिटल A12, इसके कोफैक्टर को किससे लिखेंगे, कैपिटल A13, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये एक मैट्रिक्स हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखिए एलिमेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से हम लोग कोफैक्टर भी लिखेंगे। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इतना हो गया, तो इसका कोफैक्टर अगर निकालें, कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर, तो जैसे ए का कोफैक्टर निकालिएगा तो ए का कोफैक्टर क्या मिलेगा, देखिए पहला मिलेगा, अगर इसका कोफैक्टर निकालिएगा A11 का, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल A11 से। अब निकालने का तरीका आपको पीछे बताया है, वो हम क्वेश्चन के दौरान करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट बस समझा रहे हैं कि लिखेंगे कैसे। तो इसका अगर कोफैक्टर निकालना हो तो आप जानते हैं कि ऐसे पहले रो निकालते हैं कैंसिल आउट करके, फिर जो आता है उसका साइन बदल देते हैं, ठीक है। तो हम अगर मान लीजिए कि जो भी इसका कोफैक्टर आएगा उसको डिनोट करेंगे ऐसे ही, तो कैपिटल A11, इसका जो कोफैक्टर है मान लीजिए है कैपिटल A12, इसका जो कोफैक्टर है कैपिटल A13, ठीक है, इसका जो कोफैक्टर है कैपिटल A21, इसका जो कोफैक्टर है कैपिटल A22, इसका मान लीजिए कोफैक्टर है कैपिटल A23, राइट, और लास्ट वाले का कोफैक्टर क्या मानेंगे, A31, A32, A33, हो गया, राइट। तो मान लीजिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो इसका कोफैक्टर इतना हो गया। तो हमको निकालना क्या है, एडजॉइंट। और डिफिनेशन क्या कहता है कि मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होगा वो जो है इसका जो है एडजॉइंट कहलाएगा। तो को फैक्टर अगर हम निकाल लिए तो फिर इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जो भी ये मैट्रिक्स आया है, जो भी ये मैट्रिक्स आया है इसका को फैक्टर निकालेंगे, थोड़ा सा यहां लिखते हैं, देखिए समझ में आएगा। देखिए तो जो भी ये मैट्रिक्स है इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल देंगे, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब बताइए कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ये जो कोफैक्टर के फॉर्म में जो मैट्रिक्स आया इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे वही एडजॉइंट होगा। तो ये जो कोफैक्टर है इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब कैसे डिनोट करते हैं, इसके ऊपर ऐसे टी लिख देते हैं। तो जब भी इस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो किसके इक्वल देगा, एडजॉइंट के। यानी जैसे ही हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ध्यान समझिए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए
अगर इसका हम ट्रांसपोज निकाले, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि देखिए इसके रो को इसे कॉलम मूव करा देंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आएगा ऐसे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना आपका A11 है जो ऊपरा है ये नीचे आ जाएगा A12, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा A13। समझ में आई बात? ठीक है, दूसरा वाला जो रो है इसको कॉलम में लिखेंगे खड़ा करके, तो A21 कैपिटल A21, उसके बाद क्या होगा कैपिटल A22 कैपिटल A32 सॉरी कैपिटल A23, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आएगा कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33। ये आपका होगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका होगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका कोफैक्टर निकालिए, और कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करा दीजिए तो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर आपको एग्जाम्पल कराएंगे, और जल्दी से रिप्लाई कीजिए सब कुछ समझ में आ गया तो। समझ में आ गया तो सब लोग जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए एक बार। मेन इसका कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान मिलेगा। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया सब लोगों का? चलिए अनुभव आसिम ठीक है, सोनम बहुत बढ़िया। जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट करेगा, उसको एक बार और समझा दिया जाएगा, फिर दोबारा शर्माना नहीं है, शर्माएंगे तो फिर शर्माते रह जाएंगे आप लोग। कोफैक्टर ऑफ ए, देखिए कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो याद रखिएगा एक एक लाइन में डिफिनेशन, कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, एकदम छोटा सा डिफिनेशन दिखवाते हैं जिससे आपको याद रहेगा। तो ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए होगा, और इसको डिनोट करेंगे ए डी जे ऑफ ए। ए डी जे ऑफ ए का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए एक एग्जाम्पल आपको कराते हैं, फिर आपको इसमें ट्रिक्स भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उसके बाद ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। आज ये क्वेश्चन पे देखिए, एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका एलिमेंट है 2 3 4 1, 2 3 4 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट बार, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है जिसका एलिमेंट है, देखिए ए मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है 2 3 4 1, ठीक है 2 3 4 1 राइट। तो कितने बाई कितने का है? 2 बाई 2 ऑर्डर का है, 2 बाई 2 ऑर्डर का है। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी, कि बताइए एडजॉइंट कैसे मैट्रिक्स का डिफाइंड होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, एडजॉइंट किस मैट्रिक्स का डिफाइंड होता है? जल्दी से विवेक, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइंड होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा, एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद कराते चल रहा है, फिर आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाता है,
और ऑब्जेक्टिव का जब प्रैक्टिस सेट चलेगा ना, तब फिर आपको जो है क्वेश्चन इसमें मिलेगा जरूर। तो एडजॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड होगा, ठीक है। देखिए, तो ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका एलिमेंट 2 3 4 5, आप पिछला क्लास जरूर देख लेंगे, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर उसी पे डिपेंड है, कोफैक्टर ही नहीं निकालने आएगा तो फिर कहां से हम लोग जो है एडजॉइंट निकाल पाएंगे, इसलिए कोफैक्टर बहुत ध्यान से जो है निकालिएगा। देखिए, ए मैट्रिक्स हो गया 2 बाय 2 ऑर्डर का, तो सबसे पहले अगर हम इसका एडजॉइंट निकालना है हमको, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। और आपको पिछले क्लास में कोफैक्टर डायरेक्ट निकालने का तरीका बताए थे, तो कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज, तो वो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। चलिए इसका कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखिए, कोफैक्टर YouTube पे भी एक वीडियो डाले हुए हैं माइनर कोफैक्टर का, उसको भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए कोफैक्टर, अच्छा बताइए, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है तो इसका प्लेस है A11, इसका प्लेस है A12, इसका प्लेस है A21, इसका A22, ठीक है। तो हम कोफैक्टर डायरेक्ट निकालना है, तो इसलिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं कैपिटल से। तो चलिए, फर्स्ट वाले का कोफैक्टर, तो कैपिटल A11 लिखेंगे, राइट। इसका क्या होगा, तो इसको निकालिए पहले। देखिए, कैपिटल A11 इस यहाँ लिखे रहता है, कैपिटल A12, अगले का कैपिटल A21, नेक्स्ट का कैपिटल A22, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, चाहे डायरेक्ट आप मैट्रिक्स में भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मैट्रिक्स निकाला जाए क्या, चलिए उसको नेक्स्ट में निकाला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीके समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, आराम से समझिए। तो देखिए, ये 2 का अगर निकालिएगा तो इसका नाम होगा कैपिटल A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पे है। इसका निकालिएगा तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे है, ठीक है। इसका निकालिएगा तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पे है, इसका निकालिएगा तो सेकंड रो के सेकंड कॉलम पे है। देखिए तो सब लोगों को वीडियो क्वालिटी सही दिख रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए, तो 2 का निकालिए, देखिए ध्यान समझिएगा, पहले हम माइनर निकालेंगे फिर साइन बदलेंगे। साइन कहाँ बदलता है, जब आई प्लस जे इक्वल टू इवन नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर, जैसे 2 4 6 है, तो वहां पे सेम रहेगा, यानी जो माइनर रहेगा वही कोफैक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आई प्लस जे अगर ऑड नंबर आ जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन जो है क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, A11 का पहले माइनर निकालिए। माइनर निकालने का तरीका क्या है कि 2 का माइनर निकालिएगा तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को काटेंगे, रो और कॉलम को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, 1, और 1 का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। 1 का डिटरमिनेंट वैल्यू 1, एक एलिमेंट का डिटरमिनेंट वैल्यू उसी एलिमेंट के इक्वल होता है, 1 हो गया। अब ध्यान देंगे कि इसमें साइन चेंज हुआ कि नहीं होगा, तो देखिए 1 और 1 कितना, 2, 2 इवन नंबर है, तो 2 इवन नंबर है तो जस का तस रह जाएगा, ठीक है, कोफैक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। इसका निकालते हैं, तो देखिए 3, तो 3 के सामने वाले पहले माइनर निकालेंगे फिर कोफैक्टर चेंज कर देंगे। माइनर निकालेंगे तो क्या होगा, इसके सामने वाला रो कटेगा, ये कॉलम कटेगा, तो कॉलम रो कटा तो क्या मिलेगा, 4, 4 लिख लिए, 4 ये माइनर हुआ, ठीक है। 4 क्या हुआ, माइनर, लेकिन हमको कोफैक्टर चाहिए, तो हम यहाँ ध्यान देंगे, 1 2 1 2 1 और 2 कितना होता है, 3, 1 2 को ऐड कीजिए 3 मिलेगा, और 3 क्या है, ऑड नंबर, तो जो माइनर आया है उसका साइन क्या हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब इसमें पारी आती है A21 का, मतलब इस एलिमेंट का निकालना है, तो इसके सामने वाला कॉलम और ये रो, तो कॉलम और ये रो निकालेंगे, तो कॉलम रो कटेगा तो 3 आएगा, तो 3 लिख दिए 3। अब देखिए, 2 और 1 3 होता है, और 3 ऑड है, तो ऑड है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, राइट। A22 1 का निकालेंगे तो इसके सामने वाला एक कॉलम रो को काट देंगे, ऐसे कट जाएगा, कटेगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 2 का 2 ही हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं हुआ क्योंकि 2 2 4 होता है, इवन है, राइट। तो 2 और 2 4 होगा, इवन होगा, इसलिए जो है ये चेंज नहीं करेगा। चलिए अब इसका मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए, तो को फैक्टर ऑफ ए क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या मिला, 1, सेकेंड वाले का क्या, 3 का कितना है, -4, इसका कितना है, -3,
इसका कितना है 2, जिसका निकालेंगे उसी के जगह पे लिखेंगे। देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया कि नहीं, तो कोफैक्टर ऑफ ए इतना आ गया, तो हमको क्या निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा, जो ये कोफैक्टर आया है इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो कोफैक्टर क्या है 1 -4 -3 2 का ट्रांसपोज। एक ऊपर जो है सिर के ऊपर टी लिख लेंगे, टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, ठीक है। इस टोटल का ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ट्रांसपोज निकालते ही जो रो होगा वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो 1 है 1 और ये -4 दौड़ के नीचे आएगा, तो -4, उसके बाद होगा -3 और यहाँ पे 2, राइट। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में मूव करा देंगे, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा। बस समझ में आया, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, समझ में आ गया तो, नहीं तो फिर दोबारा बता देंगे। वेरी गुड नरेंद्र, 1 -3 -4 2 एकदम राइट है। किसी को डाउट होगा जल्दी से मैसेज बॉक्स में मैसेज करेंगे, फिर दोबारा आपको समझा देंगे। नरेंद्र, विवेक, श्रीकांत, आसिम, डिंपल, शीतल, सोनम, जो देखिए अब इसमें आपको छोटा तरीका ही बताते हैं। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट निकालना है, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आप लोग देख लिए, बहुत आसान था। देखिए तो जब भी हमको कोई भी मैट्रिक्स का, अभी 2 by 2 का बताए, अभी 3 by 3 का ही बताएंगे, जब भी 2 by 2 का आपको जो है 3 by 3 का एडजॉइंट निकालना होगा, तो पहले आप कोफैक्टर निकालिए मैट्रिक्स के फॉर्म में, और कोफैक्टर निकाल के उसका कान पकड़ के इसे घुमा दीजिए, ट्रांसपोज निकाल दीजिए, और ट्रांसपोज निकालिएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब इसमें देखिए आपको ट्रिक्स बताते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान समझिए। अगर इस पूरे कहानी में देखा जाए, देखिए हमको जो है ये देखिए ये मैट्रिक्स है। अभी हम 2 by 2 के लिए केवल ट्रिक्स बताते हैं, ट्रिक्स जो अभी बता रहे हैं वो काम करेगा केवल 2 by 2 में, यानी 2 by 2, 2 रो 2 कॉलम वाले स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो 2 by 2 ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें जो ट्रिक्स होगा उसका सबसे बेस्ट तरीका होगा, सबसे आसान तरीका और शॉर्टकट तरीके से आप जो है एडजॉइंट निकाल सकते हैं, बिना कोफैक्टर निकाले, बिना कोफैक्टर निकाले आप उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ध्यान से देखिएगा, बस 2 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा। ये मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है 2 3 4 1, राइट। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का है, तो उसका एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए उसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकाला जा सकता है, तो उसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कि जो ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है, उसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। क्या कर देंगे, इंटरचेंज, जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है उसको आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज, ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट वाले डायगोनल का एलिमेंट है, इसके साइन को चेंज कर दीजिए, इसके साइन को, इसका क्या चेंज करना है, साइन चेंज, इसका करना है साइन चेंज, इसको चेंज करना है क्या, साइन। तरीका समझिए, बहुत आसान ट्रिक्स है, ध्यान समझिएगा। जब भी हमको 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होगा, तो प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में बदल दीजिए, साइन नहीं बदल दीजिए, इसका प्लेस बदल दीजिए, मतलब कि जो यहाँ पे है ऊपर है उसको नीचे ला दीजिए, बीच में यहाँ पे 2 को 1 के जगह पे, 1 को 2 के जगह पे, ठीक है। यानी देखिए यहाँ 2 ऊपर था, 1 यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया कि नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट बदल गया। और जो रेस्ट वाला डायगोनल है उसका केवल साइन बदलना है, यानी प्लस है तो माइनस में कर दीजिए, माइनस है तो प्लस में कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब कि देखिए प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट यहाँ बदल गया, और बाद में जो रेस्ट वाला डायगोनल है उसके साइन को बदल देंगे, तो यहाँ 4 प्लस में था तो माइनस में हो गया, 3 प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये आपका हो गया शॉर्टकट ट्रिक्स। अभी लिखवा देंगे ट्रिक्स, बस आप समझ जाइए, समझ गए सब लोग कैसे ट्रिक्स काम करेगा इसमें 2 by 2 में। 2 by 2 अगर, यानी 2 by 2 ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो उसका एडजॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को आपस में चेंज कर दीजिए और रेस्ट वाले डायगोनल के एलिमेंट को साइन को बदल दीजिए, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, तो आपको ट्रिक्स लिखवा भी देते हैं।
फिर 3 बाई 3 का बताएंगे। हो जाएगा, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, देखिए ट्रिक्स। देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार देकर के इसको लिख लीजिएगा 2 बाई 2 का जब भी आएगा, क्योंकि ये इसलिए बताता है आपको कि अभी तो हम एडज्वाइंट पढ़ रहे हैं, आगे चल के जब इनवर्स पढ़ाएंगे, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसमें एडज्वाइंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू, वहां पे फार्मूला डिफाइंड होगा एडज्वाइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इनवर्स निकालने में ये एडज्वाइंट बड़ी जबरदस्त काम करेगा। ठीक ना, इसीलिए आपको बता दें कि एडज्वाइंट निकालने का आपको शॉर्टकट तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एडज्वाइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका मालूम होगा तो आप डायरेक्ट जो है वहां से इनवर्स निकाल लेंगे। इसीलिए आपको एडज्वाइंट एकदम स्ट्रिक्टली समझना है, बहुत ध्यान से। ठीक ना, देखिए इसका ट्रिक्स क्या है 2 बाई 2 का। तो इसमें स्टार देखिए लिखिएगा कि इफ ए इक्वल टू a11, a12, a21, a22, ठीक है, b a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, ऑफ ऑर्डर टू, देन इफ ए इक्वल टू a11, a12, a21, a22, b ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, देन एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू। देखिए एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होगा, तो जब भी 2 बाई 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसका एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होगा, कुछ नहीं करना है, फट से यहाँ पे जो एलिमेंट है a11, a12, a21, a22 में जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे इसको, इंटरचेंज इंटरचेंज। ठीक है, और ये जो रेस्ट वाला जो डायगोनल है, जो बचा खुचा है, इसके साइन को क्या कर देंगे, साइन चेंज। इसमें क्या कर देना है, इसके साइन को चेंज कर देंगे और इसमें आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए, राइट। ये ट्रिक्स आप लिख लीजिएगा, बड़ी काम करेगा। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया, शॉर्टकट रास्ते से चलेंगे, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो ये काम कर लेंगे। ठीक है, आखिर आंसर वही आने वाला है, तो क्यों जाएंगे हम लोग अपना टाइम वेस्ट करने, राइट। देखिए तो एडज्वाइंट हो गया, सब लोगों का हो गया, एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे और वो भी शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल,
इफ ए इक्वल टू 2, 3, -4, 5, ये एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो देन एडजॉइंट ऑफ ए, अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो सबसे आसान तरीका, शॉर्टकट तरीका अप्लाई करेंगे यहाँ पे, बोलिए क्या होगा। एक स्क्वायर मैट्रिक है, कितने ऑर्डर का, सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे, 3 बाय 3 में ये नहीं लगाएंगे, उसके लिए दूसरा तरीका बताएंगे, ठीक है। 3 बाय 3 में ये नहीं लगाएंगे आप, सबसे पहले 2 बाय 2 में ही लगेगा। तो 2 बाय 2 में 2, 3, -4, 5 है, तो देखिए इसका जब भी डायरेक्ट एडजॉइंट निकालिएगा तो ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कौन है, 2 और 5, 2 और 5 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो 5 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, राइट। 5 यहाँ, 2 यहाँ हो गया। अब इसके साइन को चेंज कर देंगे, इसके साइन को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो देखिए -4 है, ये क्या हो जाएगा, +4, ये 3 है तो -3, ये हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, सही है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट एडजॉइंट निकालेंगे, समझ में आई बात, जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया सब लोगों का। तो देखिए आज हम लोग क्या डिस्कस किए, आज हम लोग डिस्कस किए कि 2 बाय 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट के डिफिनेशन से हम लोग आज स्टार्ट किया और 2 बाय 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स तक जो है कर लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एडजॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड होता है। जो जो पॉइंट्स आपको आज सिखाए हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं 2 मिनट में। सबसे पहला काम कि जो एडजॉइंट डिफाइंड होगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। एडजॉइंट होता क्या है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है उसी को हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ADJ ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए से, राइट। तो जब भी आपको एडजॉइंट निकालना होगा तो उस एलिमेंट का जो भी मैट्रिक्स आपको गिवेन है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका पहले आप कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को ऐसे कॉलम मूव करा देंगे या कॉलम को रो मूव कराएंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज हो जाएगा और जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखें जिसमें 2 बाय 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखें। तो 2 बाय 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी रहेगा तो उसका एडजॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका भी आपको बताया, शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है। इसके प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में इंटरचेंज कर देंगे और रेस्ट वाले डायगोनल को क्या कर देंगे, इसके साइन को चेंज कर देंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ दिया, ए इक्वल टू 2, 3, -4 और 5। तो देखिए 2 और 5 आपस में इंटरचेंज हो गया, 2 और 5 आपस में इंटरचेंज हो गया और ये वाले एलिमेंट का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो 5, 2 हो गया, -3 और 4, ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जो भी हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, या हो सकता है कि हम लोग, अच्छा अभी प्रॉपर्टी आपको पढ़ा ही देंगे, प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे उसके बाद इनवर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, या तो ऐसा करेंगे पहले आपको इनवर्स पढ़ा देंगे तब जाके प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, क्योंकि एडजॉइंट और इनवर्स की कंबाइन प्रॉपर्टी होती है ना। तो इनवर्स और एडजॉइंट का जो कंबाइन प्रॉपर्टी होगा तो उसके लिए हम लोग एडजॉइंट पढ़ लिया, उसके बाद इनवर्स पढ़ेंगे तब जाके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल का क्लास इनवर्स का रहेगा और हो सकता है तो उसमें आपको 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाएंगे, ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग कल देखेंगे टाइम बचेगा तो, नहीं तो इनवर्स आपको जरूर पढ़ाएंगे। तो इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। इनवर्स आपको अगर याद होगा तो मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाए थे, मैट्रिक्स में भी इनवर्स निकालने के पढ़ाए थे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, और जो नेक्स्ट जो अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे इनवर्स निकालना वो आपको पढ़ाएंगे एडजॉइंट मेथड से, जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चन है एडजॉइंट निकालने वाला, 2 बाय 2 का है, 3 बाय 3 का है, बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, जहां ट्रिक्स लगेगा वहां लगा सकते हैं। 2 बाय 2 का बताया है ट्रिक्स, लगा लीजिएगा। 3 बाय 3 का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाना है,
सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे सब एलिमेंट का, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, एडजॉइंट हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज क्लास इतना ही, फिर कल हम लोग इसी के आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बोलिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आप ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत आसान। अरे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो क्या फर्क पड़ता है, ये क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में देखते हैं तो आप ये लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।